किसानों के चक्का जाम आंदोलन का जायजा लेने पहुंचे ज्वाइंट कमिश्नर। उत्तर प्रदेश लखनऊ में किसानों के चक्का जाम आंदोलन का जायजा लेने पहुंचे ज्वाइंट कमिश्नर नवीन अरोड़ा। अहमामऊ पुल के नीचे पहुंचे नवीन अरोड़ा, सभी स्थितियों का लिया जायजा। जायजा एडीसीपी सुरेश चंद्र से ली स्थिति जानकारी। किसानों के प्रदर्शन के हिसाब से मेरी तैयारी पूरी है, जनता को कोई असुविधा नहीं होगी। नवीन अरोड़ा, जो भी किसानों की मांगे हैं जायज तरीके से रखी जाए, सरकार से बातचीत करें, किसान अपने प्रतिनिधियों के साथ कोशिश यही रहेगी। किसी को कोई असुविधा ना हो, अगर कोई नियम विरुद्ध कार्य होगा तो कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ उत्तर प्रदेश से अश्विनी कुमार की ये रिपोर्ट। देखिए, ये चक्का जाम राष्ट्रीय आवाहन के ऊपर है। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी इस जो है चक्का जाम को जो है पूरे प्रदेश में, पूरे इंडिया में चलाया है। हमारे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष जो किसानों का धान को लेकर के आंदोलन किया, उनको सरकार ने गिरफ्तार किया, उनकी गिरफ्तारी हुई और उनको सरकार छोड़े इस मांग को लेकर के, और जो 3 कृषि अध्यादेश लाए गए हैं इसको जो है सरकार हटाए। इससे किसानों के ऊपर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ रहा है। किसानों का धान उत्तर प्रदेश में खरीदा नहीं जा रहा है, किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है, और जो पराली जलाने के नाम पे किसानों को जो है मुकदमे लिख के उनको जेल भेजा जा रहा है, इसके विरोध में अब पराली कहाँ जल रही है, कहाँ से प्रदूषण हो रहा है, सरकार इसके पीछे नहीं, बस किसान की केवल परेशान कर रही। इस विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन है, हम लोग जो है चक्का जाम करेंगे। आज आप लोगों का जो प्रदर्शन है, किस बात को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं? आज पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग जो भी हैं सब जाम है, किसानों ने जाम कर रखे। जो कई 2 महीने से प्रदर्शन चल रहे थे पंजाब और हरियाणा में, उन्होंने दिल्ली को कूच किया और अचानक रात में हमारे किसान नेता, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष रतन सिंह मान और युवा विंग के रवि आज़ाद, उनको रात में उठा ले गए। हमारा सबसे पहले मानना है कि समझ उनसे पहले उनको रिहा करें, और जो वाटर कैनन इन्होंने इस्तेमाल किया है किसानों के ऊपर और लाठियां भांजी हैं, आंसू गैस छोड़े हैं, ये अत्याचार संगठन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। इसका पूरा विरोध करेंगे, पूरे प्रदेश में विरोध है। आज लखनऊ में 3 सीतापुर रोड, सुल्तानपुर रोड और रायबरेली रोड पूरी तरह जाम कर दिया जाएगा। ये जहाँ से हम लोग हटेंगे अब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा।